नहीं विनीता, लीगल में एक चीज होती है, पहले तो ये जान लीजिए कि जो आपको दायरा दिया जाता है, यदि आपकी सुनवाई किसी जिस केस में है, जिन चीजों में है, या जिस चीज की आपको जांच दी जाएगी, आपको उसी की स्पेसिफिक जांच करनी होती है और वही वही टर्म्स ऑफ आपको रेफरेंस, वही रिपोर्ट्स मैं कह रहा था, आ टर्म्स गई ऑफ रेफरेंस, टर्म्स ऑफ जी, रेफरेंस उसी को कहते उसपे हैं। उससे बाहर नहीं जा सकते हैं आप। तो यदि आप ये उम्मीद करते हैं कि उसमें अदानी के मोदी से रिलेशन वाली बात आ जाए या ये आ जाए, ये सब जांच का सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट तो उसमें स्पेसिफिक ये है कि सेबी में क्या गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है, सेबी ने उन्हें फेवर किया है या नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के उस पूरी जांच में हिंडनबर्ग की सिर्फ उस पॉइंट को लिया गया है जो कि तभी प्रूव हो पाएगा वास्तविक तौर पे जब उसका दायरा बड़ा होगा, जब आपको प्रधानमंत्री से भी सवाल करने का उसमें होता, आपको उन कंपनियों से भी, फॉरेन की भी कंपनियों से बात करने का होता, और आपको इसके जो लोग कंप्लेनेंट हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात करने का होता। तो इसमें, इसके दायरे में जो सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक, उसमें किसी का नहीं, उसमें आपको उस सिर्फ मैकेनिज्म पे जांच करनी है और वो मैकेनिज्म पे आप बात करेंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को कहीं भी दोष नहीं दिया जा सकता है कि वो, या उसकी कमेटी को नहीं दिया जा सकता है कि वो कहीं और बाहर क्यों नहीं जांच कर रहा है, या मोदी पे वो क्यों नहीं पूछताछ कर रहा है, या वो किसी और से पूछताछ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसे तो मैकेनिज्म पे बात करनी है। तो इसलिए उसका दायरा नहीं है वो, और जो दायरा नहीं है उसमें वो जा नहीं सकते। तो ये लीगल में एक चीज होती है, एविडेंस वही स्वीकार किया जाता है जो रीड किया जाता है। रीड किए जाने के अतिरिक्त जो होता है वो चाहे कितना बड़ा एविडेंस हो वो स्वीकार्य नहीं होता है। तो ये एक चीज जान लीजिए, बहुत स्पेसिफिक चीज है और एविडेंस एक्ट में इसका बिल्कुल प्रोविजन है, तो इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए छोड़िए इसकी बात। यदि कांग्रेस जो जेपीसी की बात कर रही है, जेपीसी इस कारण से मुझे लगता है, मैं चूंकि लेट से जुड़ा, संभव है कि लोग बता चुके होंगे, आप देखिए कि पीछे 2G का जब मामला आया था उसपे भी तो सुप्रीम कोर्ट जांच करा रहा था, उसके बावजूद जेपीसी की मांग की गई और जेपीसी जांच हुई। पहले कांग्रेस यही कह रही थी, तत्कालीन सरकार, कि जब इसकी सुप्रीम कोर्ट की वो जांच कर रही है तो फिर इसको और क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मांग की गई तो जेपीसी जांच हुई, बड़ी चीज है। इसके अलावा मुझे लगता है सभी लोग चर्चा कर चुके होंगे क्योंकि सभी सीनियर्स हैं, तो निश्चित रूप से चाहे पंडित नेहरू के समय में हो, जिसका जिक्र शायद अभय जी कर रहे थे, और उसके अलावा जितने केसेस आए सब में जेपीसी जांच हुई। कभी किसी ने, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी केतन पारिक वाले में हुई थी। तो आप देखिए, जब कोई और नहीं डरता था, आपको डरना ही नहीं चाहिए और आपको लगता है पाक साफ है, क्यों डरे। फिर एक चीज, जो संसद में अनुपात होता है सांसदों का, उसी अनुपात में उसके सदस्य होते हैं, तो इस दृष्टिकोण से आप ये मान के चलिए 60% सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे, फिर क्यों डर रहे हैं आप। यदि आप इसके बाद भी डर रहे हैं, इसका मतलब दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो ये आप एक चीज समझ सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक है कि जिस तरीके से, और ये बात देखे, बाकी चीजें आए ना आए, जांच में क्या होता है, पब्लिक डोमेन में कम से कम कांग्रेस पार्टी इस चीज में सफल हो गई है कि पब्लिक डोमेन में ये बात समझ में आ गई है कि साहब एक कोई अडानी है जो नहीं जानता है। मैंने पीछे किसी के चैनल पे उदाहरण भी दिया था, मैं अभी बीते दिनों एक अपने धोबी के पास गया था और उससे मैं कुछ पैसे देने देने को, उसने कहा नहीं कोयले का दाम बढ़ गया है और इसका बढ़ गया इसलिए प्रेस का पैसा ज्यादा पड़ेगा, तो उसी सब को लेके बात हो रही। तो हमने कहा यार क्या तुम लूट मचाए हुए हो, जो हमने ये शब्द कहे, उसने कहा भैया हमें कह रहे हो, लूट तो देखो देश में मची है, अडानी सब लूट लूट के घर में भरे ले रहे हैं और आप हमें लुटेरा कह रहे हो। तो उसे नहीं पता था कि कोयला भी अडानी के यहां से आ रहा है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह की जो है स्थितियां हो रही हैं, और जब ये स्थितियां हो
तो वो पूरा जो है सामने आ जाता है। तो ये अब पब्लिक में वो ये परसेप्शन देने में कामयाब रहे, ये चीज वो राफेल के समय में नहीं कर पाए थे, लेकिन इसमें सफल रहे हैं, भले मीडिया दिखाए ना दिखाए। जी, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।